देखिए, इसका जो आयरन डोम का पहली बार शुरुआत किया गया था वो इजराइल की कंपनी राफेल डिफेंस ने किया था। आप राफेल जहाज मत सोचिएगा, राफेल जहाज को फ्रांस की कंपनी डसाल्ट बनाती है, जबकि आयरन डोम को इजराइल की कंपनी रफाल बनाती है। तो आयरन डोम का जो पहला इस्तेमाल किया गया था 2011 में किया गया था, और इस्तेमाल करने के 6 दिन बाद ही इस पर हमले हुए थे, जिसने पूरी तरह हम लोग को न्यूट्रल किया था। ये आयरन डोम क्यों कहते हैं? आयरन मतलब होता है लोहा, डोम का मतलब एक गुंबद टाइप का, इस तरह से शहरों को एक लोहे की समझ जाइए कि एक प्रोटेक्शन देता है, इसलिए इसका नाम आयरन डोम रखा गया। हालांकि शुरुआत में कहा गया था इसका कासम प्रोटेक्शन नाम रहना चाहिए, क्योंकि जो भी गाजा से रॉकेट हमले होते हैं वो कासम कैटेगरी के रॉकेट ही हमले होते हैं। ये कैसे काम करता है? इसका सबसे छोटा जो वर्जन होता है वो आयरन डोम होता है, बाकी सब इससे ज़्यादा एडवांस होता है, लेकिन इसराइल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो आयरन डोम की है। आयरन डोम जो सिस्टम है वो 3 कैटेगरी में काम करता है। सबसे पहले उसका रडार होता है, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम होता है जो पता लगाता है कि मिसाइल की स्पीड कितनी है और कहाँ जाके गिरेगा। उसके बाद होता है लॉन्चर जो मिसाइल को मारता है, यहाँ से आयरन डोम नाम की जो मिसाइल है उसको यहाँ से मारता है। तो ये 3 सिस्टम होता है। तो दिमाग में बैठा के रखना है कि 3 सिस्टम, यहाँ से दुश्मन का मिसाइल मारेगा तो 3 सिस्टम द्वारा उसे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। अब एक एक करके इन तीनों को हम लोग समझते हैं। आयरन डोम सिस्टम को मूवेबल होते हैं, वो किसी भी तरह से गाड़ियों पे, ट्रक पे ले जाके एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया जा सकता है। तो इसे इजीली मूव किया जा सकता है और कहीं एक जगह फिक्स कर दिया जाता है। जैसे ही हमास या गाजा पट्टी से कोई भी रॉकेट को डागा जाता है, आपको पता है कि ये लोग कासम रॉकेट को डागते हैं, ये लगभग बहुत छोटा रॉकेट होता है, इसमें खुद के गाइडेंस सिस्टम नहीं होते। कई बार ये रॉकेट तो गाजा में से दागिएगा तो गाजे में गिर जाते हैं, कभी कभी दिवाली का रॉकेट हम लोग भी छोड़ते हैं तो अपने आ जाके गिर जाता है, तो इसमें कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं है। इसी वजह से देखेंगे ये 2000-3000 मारते हैं, क्योंकि इनको भी नहीं पता है कि कौन कहां जाके गिरेगा। ये आर्मी वगैरह पे नहीं, कहीं जाके गिरे बस उधर जाके गिरना चाहिए। तो इनको जैसे ये लोग यहां से दागते हैं तो ये जो आयरन डोम पूरा सिस्टम है, इसका रडार सबसे पहले इसे डिटेक्ट करता है कि पकड़ता है कि रडार में कहां आ रहा है, और रडार सिग्नल से जब उसको पकड़ लिया जाता है इस रडार से, ये रडार को इजीली मूव कराया जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह पे। इस आयरन डोम का रडार जो होता है वो दुश्मन को पकड़ लेता है। ये आयरन डोम का रडार है, ये दुश्मन के आते हुए मिसाइल या किसी भी हमले को डिटेक्ट कर देगा, और ये डिटेक्ट करने के बाद पूरा कैलकुलेशन कर लेगा कितनी स्पीड में आ रहा है, और ये कमांड सेंटर को भेज देगा। कमांड सेंटर का डिसाइड करेगा कि इसको मार के गिराना है कि नहीं, ये इंटरसेप्टर मिसाइल से इसे मार के गिरा देगा। रडार पकड़ने के बाद ये रडार इसको भेज देती है कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम जो होता है ये एक पूरी तरह से इसके अंदर बैठे रहते हैं लोग, जो मैनुअली भी कंट्रोल करते हैं, ऑटोमेटिक भी कंट्रोल हो सकता है। तो यहाँ भेजा जाता है, यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये रॉकेट कहाँ जाके गिरने वाला है, क्या इससे कोई बढ़िया चीज़ नुकसान होगी या किसी आदमी का लॉस हो सकता है या कोई इंडस्ट्रियल एरिया डिस्ट्रॉय हो सकती है, तब ये मिसाइल को लॉन्च करने का ऑर्डर देंगे, या ऑटोमेटिक भी लगा के छोड़ देंगे तो वो भी दिखा देगा कि प्रोटेक्टेड एरिया में गिरेगा कि नॉन प्रोटेक्टेड एरिया। जैसे इसराइल का ज़्यादातर भूमि पथरीला है, पानी की किल्लत है। अब जैसे ये वाले एरिया में कोई नहीं रह रहा है, यहाँ पर कोई नहीं रह रहा, ये वाला एरिया में यहाँ के शहर बसे हुए हैं, तो जो रडार है वो सिग्नल भेजेगा कंट्रोल यूनिट को और बताएगा कि ये जो आपका रॉकेट है ये यहाँ पर गिरने वाला है। तो कंट्रोल यूनिट कहेगा भाई गिरने वाला है तो गिरने दो ना, वहाँ कोई रहता ही नहीं है। इसीलिए सायरन बजता है जब आयरन डोम किसी रॉकेट को पकड़ता है कि मतलब आप प्रोटेक्टेड एरिया में आ जाइए। तो कोई इधर उधर रह रहा होगा तो उसको बता दिया जाएगा इधर आओ, सोच रहा खोपड़िए पे गिर जाएगा तुरे। मेन सिस्टम होता है इस इंटरसेप्टर का, जिसे हम बैटरी कहते हैं। बैटरी जो होती है मिसाइलों की एक ग्रुप होती है जिसको झोपा कहते हैं बैटरी। इस बैटरी में ना इधर से देखेंगे तो 4 लाइन दिखेगी, 1, 2, 3, 4, लेकिन ऊपर से देखेंगे ना तो 5 दिखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो 4 इधर से 5 इधर से, यानी एक बैटरी में टोटल इनकी 20 इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। इस इंटरसेप्टर मिसाइल को तामीर मिसाइल कहते हैं, तामीर मिसाइल ही जाके मारता है, लेकिन जो रडार पकड़ता है, कंट्रोल सिस्टम डिसाइड करता है कहाँ गिरेगा, और जो इंटरसेप्टर इसे ऑर्डर दिया जाता है, ये पूरे सिस्टम को हम आयरन डोम कहते हैं। लेकिन मेन मिसाइल मारने का काम ये तामीर मिसाइल ही इसे मारने का काम करता है। आयरन डोम की एक बैटरी में 20 तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल होती है। इंटरसेप्टर मतलब होता है जो दूसरे को जाके मारता है। लेकिन इस तामीर मिसाइल की खराबी क्या है? इसके पास कुछ ही किसी भी टाइप का नेविगेशन सिस्टम, मतलब आप कहिए तो इसके पास खुद का रडार नहीं होता है। तो ये कैसे पता करता है? तो जमीन पर बैठा रडार जो देखा है उस रॉकेट को, या उस जो हमला किया गया हमास की ओर से जो रॉकेट वगैरह उसको देखा है, तो ये उसको बताता है कि भाई दहिने मुड़, रॉकेट इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो ये अपने गाइडेंस का यूज नहीं करता है, बल्कि इस रडार के गाइडेंस का यूज करके उसे इंटरसेप्ट करता है। अब इस मिसाइल में दो चीजें होती हैं,
एक जो आगे का वारहेड होता है ये नोक यहाँ पर, इस पर इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल वेव रहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल वेव चारों ओर निकलते रहते हैं, ये दिखते नहीं है लेकिन वेव निकलते हैं। और इनमें खासियत क्या होता है कि कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ अगर इस वेव से टकराएगी तो इसके पीछे एक फ्रेगमेंट में सेंसर लगा हुआ है जिसमें टुकड़ों में बारूद भरा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में। इससे कोई भी चीज़ इसके पास से अगर गई तो ये तुरंत बता देगा कि मेरे बगल से कुछ गुजरा है, ये खुद को फाड़ लेता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो तामीर मिसाइल है ये आमने सामने कभी किसी मिसाइल को नहीं मारता है, बल्कि जब ये किसी मिसाइल के बगल से गुजर रहा होता है तो इसके बगल से जो मिसाइल गुजरती है तो इसके द्वारा जो वेव निकल रही है, ये जो वेव निकल रहे हैं, ये वेव क्या करता है, इसको पता चल जाता है कि मेरे बगल से कोई गुजरा है, खुद को फाड़ लो। तो ये क्या करता है, खुद को फाड़ लेता है, जिस वजह से इसके साथ साथ ये भी डूब जाता है। तो कहते हैं ना, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वही काम करता है ये। ये किसी भी मिसाइलों को आमने सामने हिट करता है बगल से, यहाँ पर अब इस तरह से हिट करेगा ये, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुँच सके। तो इस वजह से आप ये मत सोचिएगा कि 90 डिग्री पे आमने सामने लकड़ी चीर रहा है, वैसे नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये है आपका तामीर मिसाइल, ये मार रेडिएशन छोड़ा हुआ है अपना। अब कोई भी इसके संपर्क में, जैसे देखिए ये उधर से संपर्क में आया, ये टूटेगा और ये पूरी तरह से ब्लास्ट कर जाएगा। तो याद रखिएगा, ये पैरेलली जाके ब्लास्ट करता है, 90 डिग्री पे नहीं। जब कभी भी तामीर मिसाइल इस तरह से रहता है तो ये बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है और इसके बचने की संभावना ना हो जाती है। इसलिए कहा जाता है 90% ही कारगर होता है, 10% में कभी कभी ये मिस कर जाता है। अगर ये 90 डिग्री पे होगा, ऐसे दुश्मन का मिसाइल ऐसे है और ये ऐसे जाएगा, तो इसमें बचने की संभावना इसकी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये तरीका अनसक्सेस हो जाता है। इसको कैसे समझेंगे, जैसे समझिए ये है हमारा तामीर मिसाइल। यहाँ देखिए ये कलम जो है, ये मिसाइल है, इसमें हम ये जो कागज़ जोड़ दिए हैं ये बता रहा है कि इससे क्या निकल रहा है, ऑप्टिकल वेव्स निकल रहे हैं। अब कोई भी मिसाइल इसके बगल से गुजरेगा तो बगल से गुजरेगा तो इस ऑप्टिकल वेव से टकरा जाएगा, जैसे टकराएगा इससे तो ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई 90 डिग्री सामने से निकल गया तो इस ऑप्टिकल वेव से वो नहीं टकरा पाएगा, जिस वजह से उसके बचने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इस वजह से ही 90 डिग्री पर जब भी कोई मिसाइल आती है, जैसे यहां से आया और ये इधर गया, तो ये 90 डिग्री ये आमने सामने होता है तो बहुत कम चांसेस है। कभी कभी तो दो दो मिसाइल सामने से ही जाती है और दोनों 90 डिग्री पर रहती है, तो ये दोनों निकल जाते हैं सब वहां पर। इसराइल ने इसमें सुधार किया और क्या किया, इस मिसाइल में विंग्स वगैरह को और एडवांस किया जिससे कि ये अपनी दिशा बदल ले। और अगर मिसाइल एक बार मिस कर जाता है तो ये दिशा बदल के उसको पीछे से आके, रडार उसको कहता है अरे रे पीछे से चोटिया, उसको चोटिया, तो पीछे से जाके ससुरा उसको चोटिया के मार देता है, उसको पिछवा से मार देता है उसको। यानी एक बार मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं, लौट के आएगा फिर मारेगा, दौड़ा दौड़ा के मारता है, बहुत खतरनाक है ये तामीर मिसाइल। याद रखिएगा, आयरन डोम और तामीर मिसाइल में अंतर है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ देखिए, ये दो गो मिसाइल ससुर इधर थे सब दुश्मन के, ये वाले मिसाइल हैं दुश्मन के हैं और ये आपका तामीर मिसाइल है। ये लोग भाग रहे हैं, लोग दौड़े दौड़े मारो मारो मारो, इजराइल पे गिरो इजराइल पे गिरो। इस ससुर बगल से जाएगा, कहेगा चाचा कहाँ, जेरूसलम, चलिए 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 आइए आइए, बिचवा में घुसेगा और खुद को फाड़ लेगा, ई भी गए, काम खत्म। तो आप देखेंगे इजराइल जो है ना बहुत खतरनाक दुश्मन के जहाजों को मारते हैं, मिसाइलों को मार देता है। अब जैसे ये लोग आगे सूर्याइले आ रहे हैं मुंह उठा के, चलो चलो मारो 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 वहाँ पे, आइए अगवे से आके कहेगा आइए आइए पधारिए यहाँ पर। और जैसे ही आएंगे इसके सेंसर में टकराएंगे, ये खुद को फड़ेगा, ये दोनों लोग फट जाएंगे। आयरन डोम किसी भी वेदर कंडीशन में, चाहे बारिश हो रही हो, तूफान आ रहा हो, किसी भी वेदर कंडीशन में जाके दुश्मन को मार सकता है, ये ऑल वेदर काम कर सकता है। आयरन डोम मिसाइल जो है वो किसी भी मिसाइल को बहुत हाइट पे जाके इंटरसेप्ट करता है, जिस वजह से इसका फ्रेगमेंट और कचरा नीचे आने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये पूरा डे नाइट मैच खेलता है, एकदम 2020 वाला, दिन में भी काम करेगा, रात में भी करेगा, बहुत ज़्यादा हाइट पर भी काम करेगा। किसी भी तरह का मौसम रहे, खराब मौसम रहे या अच्छा मौसम रहे, ये दुश्मन को धूल चटा देता है। कोई भी मिसाइल यहाँ गिरती है उसको 90% तक ये मिसाइल उसे गिरा देता है। लेकिन हर चीज़ की कुछ ना कुछ कमजोरियाँ होती हैं। इसकी भी एक खराबी क्या है कि ये बहुत महंगा है। एक इंटरसेप्टर जो मिसाइल निकलती है वो आती है 30 लाख रुपये में, और लोगों की जान को बचाने के लिए। और इंटरसेप्टर मिसाइल का कंसेप्ट होता है कि दो दो मिसाइलों को एक साथ मारा जाता है, क्योंकि अगर मान दिए एक तो मिसाइल 90 डिग्री पे निकल गई तो दूसरी वाली उसको जाके इंटरसेप्ट कर दे। तो अगर हमास एक तो कासिम रॉकेट मारता है तो हमास का एक कासिम रॉकेट आता है 3 लाख में, और इनका एक इंटरसेप्टर आता है 30 लाख रुपया में, और दो दो छोड़ना पड़ता है, यानी उनके 3 लाख के लिए इनको 60 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है। लेकिन इन लोग की जान की अहमियत है, इन लोग की संख्या भी बहुत कम है और इन लोग के पैसा की कोई कमी नहीं है, और हमास वगैरह के पास फंडिंग डायरेक्ट
डायरेक्ट नहीं आती है, इधर उधर से इनलीगली तरीके से छुपा के ही फंडिंग आती है। तो पहला, इसका कॉस्ट बहुत खतरनाक, लेकिन इसराइल ने इस कॉस्ट का भी काट निकाल लिया है, आगे समझाएंगे। दूसरा, इसका एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, किसी भी चीज़ का एक क्षमता होती है कि कितने मिसाइलों को ये काउंटर कर सकता है। हालांकि इसराइल में जितने भी ये चीज़ें लगे हैं सब आपस में जुड़े हुए हैं, अगर किसी आयरन डोम के पास 200 मिसाइलें एक पास आ जाएंगी तो इसके बैटरी में तो केवल 20 ही है, तो भाई ये 20 को मार देगा और अगल बगल वाले को मैसेज भेज देगा, अरे सुधरा हमारा पे 200 आया है, तो वो भी आके इधर उधर मार देंगे सब। लेकिन सबकी एक कैपेसिटी होती है, मान के चलिए कि जहाँ 400 आयरन डोम के इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं और वहाँ पे अगर 600 आ जाएगा तो जेन्युइन है कि भैया आपको तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसी वजह से कुछ गिर जाते हैं। तो इस बार देखे होंगे इसराइल को भी अच्छा खासा लॉस हुआ है, और हमास को लड़ाई में तो ज़्यादा लॉस हमेशा फिलिस्तीन और हमास को होता है, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। अत्यधिक खर्चीला होने के कारण इसराइल इसके नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिसमें ये लेज़र बीम का यूज़ करेगा और इसका नाम रखेगा आयरन बीम। ये क्या करेगा, दुश्मन के जो भी रॉकेट वगैरह हैं उस पर ये मिसाइल न मार के आयरन बीम मारेगा, एक तरह का लाइट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक से जनरेट हो जाएगा, ये तो खर्चा होने वाला चीज़ नहीं, एकदम पैसा कम हो जाएगा यहाँ पर। तो वही लगा देगा, दुश्मन का जहाज हवा में उड़ जाएगा एकदम, समझिए जिस तरह से भारत का काली किस तरह से अगर किसी चीज पे डायरेक्ट इंपैक्ट कर दे तो उसके सेल वगैरह को खराब कर सकता है, बाहरी कवर वगैरह को खराब कर सकता है, उसी तरह ये भी काम करेगा आयरन बीम। तो आयरन डोम जो कॉस्टली था उसका ये तोड़ है, अभी इस पर रिसर्च है, 2023 या 24 तक इसे इसराइल में शामिल कर लिया जाएगा। आयरन डोम है, इसकी जो मारक क्षमता है ये इफेक्टिवली इसको रखा जाता है सबसे कम दूरी के लिए, ये 10 किलोमीटर तक के लिए आयरन डोम को रखा जाता है। 10 किलोमीटर से ज़्यादा अगर 20 किलोमीटर तक मार करना है तो इसके लिए रखा जाता है स्पाइडर शॉर्ट रेंज, जिसे शॉर्टकट में स्पाइडर SR कहते हैं, शॉर्ट रेंज, ये 20 किलोमीटर तक मार देता है। इससे भी तगड़ा होता है स्पाइडर मीडियम रेंज, तो स्पाइडर में आगे MR लगा देते हैं, MR का मतलब होता है मीडियम रेंज, ये 50 किलोमीटर तक मार देता है। और इससे भी अगर ज़्यादा सुरक्षा चाहिए और हाई लेवल का, तो उसमें लगाया जाता है डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग जो मिसाइलें होती हैं ये 160 किलोमीटर दूर तक के दुश्मन के किसी भी टारगेट को नष्ट कर देती हैं। तो देख रहे हैं 10, 20, 50, 160, इतना लंबा इसके पास सिक्योरिटी सिस्टम है, इस पर कोई नहीं मार सकता है। लेकिन इसराइल को भी पता है कि हमारा ये सिस्टम केवल छोटे चीज़ों के लिए बना हुआ है, भयानक हमला हो जाएगा तो ये नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इसराइल भारत को आयरन डोम बेचने आया था, तो आयरन डोम मना कर दे, भारत ने मना कर दिया था, हम लोग का दुश्मन भी VIP चाइना है, एगो हमारे बगल वाले हाइये हैं, ये सब छोटका छोटका नहीं मारता है, सब भयानक मारता है, तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है और एडवांस चाहिए, इसलिए भारत ने आयरन डोम को नहीं लिया। इस बात से इसराइल भी भले भांति वाकिफ था कि अगर ईरान भयानक वाला मिसाइल मारेगा, क्योंकि इसराइल का दुश्मन ईरान सबसे पक्का है और वो थोड़ा शक्तिशाली भी है, बाकी सब तो अगल बगल वाला कोनो चीज़ नहीं जानते, सो इसे घर में रॉकेट बनाता है, सो कोनो ठीक नहीं किधर जाएगा किधर नहीं, लेकिन ईरान का रॉकेट काफ़ी एडवांस है, इसलिए ये बैलिस्टिक मिसाइल बड़ी मिसाइलों को भी काउंटर करने के लिए सोचता है, क्योंकि बड़ी मिसाइलों को काउंटर करने के लिए इससे पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एरो मिसाइल का यूज़ करता है। ये एरो मिसाइल जो है, एरो मिसाइल, इसकी दो कैटेगरी होती है, एरो 2 और एरो 3, ये बैलिस्टिक मिसाइल को मारता है, इसको देखिए ये बहुत भयानक है। तो बड़ा मिसाइल को मारने के लिए बड़ा चाहिए और बड़ा रडार लगाया गया इसका, ये भी बहुत लंबा मारता है, ये भी लगभग 100 से 150 किलोमीटर में मार करता है। इसका ऑफिशियली मतलब इसराइल ने कभी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, जिस वजह से इसका मतलब डाटा जो आता है वो अनऑफिशियली ही आता है। तो एरो 2 और एरो 3 जो हैं, ये ऐसा नहीं सोचिएगा कि डेविड स्लिंग से ज़्यादा दूर तक मारेंगे, जितना डेविड स्लिंग मारता है उतना ही ये भी मारेंगे, लेकिन आयरन डोम, स्पाइडर और डेविड स्लिंग ये छोटे टारगेट हेलीकॉप्टर जहाज वगैरह के लिए, लेकिन भयानक के लिए ये एरो आता है। अभी इससे ऊपर भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर इसराइल काम कर रहा है। इस तरह से आप देखेंगे तो इसराइल के पास कितने लेयर की सिक्योरिटी है, एरो 3, एरो 2, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, स्पाइडर शॉर्ट रेंज, स्पाइडर मीडियम रेंज, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा खुद को सिक्योर कर रखा है इसराइल ने। इसराइल की जो जहाज़ें होती हैं, नौसेना की जहाज़ें, उसको भी वो सुरक्षा दिया, क्योंकि नौसेना की जहाज़ जाएगी और उसी पे कोई मार देगा तब, तो नौसेना की जहाज़ों के लिए इसने क्या रखा है, सी डोम। तो डोम का मतलब क्या था, गुंबद की तरह इस तरह बना दिया, तो इसको सी को वो वाला सी ना लिख के ये वाला सी लिखते हैं, तो सी डोम है, ये जहाज़ों पूरी तरह से रक्षा करता है।
सी डोम के अंदर बहुत सारी बैटरी होती है जिसके अंदर इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। ये इंटरसेप्टर मिसाइलें जैसे ही रडार के नज़र में कोई दुश्मन का जहाज या ड्रोन कुछ भी आता है, ये मार गिराती है। जैसे ये दुश्मन का जहाज है, इसने दो मिसाइलें को फायर किया है। अब इसमें क्या है कि जो सी ड्रोन का रडार है, ये रडार उसको डिटेक्ट करेगा और रडार डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा, मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर देगा। जैसे ये देखिए CBSE बोर्ड वाला देख लिया उसको, अब वो ऑर्डर दे देगा मिसाइल मारने के लिए। यहाँ से निकल दिए हैं, अब वो रडार से इसे डिटेक्ट कर रही हैं और यहाँ आके इसको डिस्ट्रॉय कर देंगी सब। वहाँ भी दिखा दिया और यहाँ आके दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट करके नष्ट कर देंगे सब। और ये किसी भी तरह के सिक्योरिटी को दे सकता है, दुश्मन का कोई भी मिसाइल आए उसको ये जाके इजिली इंटरसेप्ट करके गिरा देता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर से। जैसे यहाँ हेलीकॉप्टर से देखेंगे एक मिसाइल मारा गया है और एक हेलीकॉप्टर है, तो यहाँ से दो रॉकेट गया है, एक मिसाइल को मार दिया, एक हेलीकॉप्टर को मार के गिरा देगा। अगर कोई पनडुब्बी से मार रहा है नीचे नीचे, तो ये जाके उसका रडार उस पनडुब्बी को भी ढूंढ के वहाँ से फायर किए गए मिसाइल को भी मार के काउंटर करके गिरा देता है। अगर कोई ड्रोन वगैरह है, आजकल ड्रोन का बहुत यूज हो रहा है, तो ड्रोन को भी तगड़ा करके दौड़ा के ये पूरी तरह से उजाड़ देता है इस ड्रोन को। ये पूरी तरह एक शिप को एक तरह से डोम यानी गोल गुंबद की तरह दे देता है, इसलिए इसे सी डोम कहते हैं। इजराइल इतना ताकतवर है और